गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये कानून नया कानून बनाया है मिलिट्री की भर्ती के लिए, 2018 में मिलिट्री की भर्ती पहले हुई थी। यहाँ के नौजवान जो है वो सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं 4 साल से, वो इस तलाश में है कि कब मैं मिलिट्री की भर्ती आए, वो नौकरी करें। और इस उसमें जो है कई लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि भाग दौड़ में पसीना बहाते बहाते कहीं की नसें फट गई, कहीं को जो है मतलब बहुत नुकसान हुआ लड़कों का, लेकिन लड़के इस आशा में बैठे थे कि उन्हें मिलिट्री में भर्ती मिलेगी। अब जो है मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। अब ये काला कानून जो है केंद्र सरकार लाई है, ये संविदा पे मिलिट्री की भर्ती करने की योजना है, इसे किसी कीमत पर ना यहाँ के युवा बर्दाश्त करेंगे, ना हमारी पार्टी राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी बर्दाश्त करेंगे, और ना यहाँ का किसान बर्दाश्त करेगा। ये संविदा की भर्ती मिलिट्री में जो है ये काला कानून है, इसे वापस लेना। नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस यूपी में आपका स्वागत है और मैं अनमोल कुमार। अग्निपथ को लेकर जहाँ अलग अलग जगह हिंसा हो रही है, वही आज मुजफ्फरनगर में भी युवा सड़कों पर उतर चुके हैं और हमारे साथ कुछ युवा हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से ही बातचीत करते हैं कि वे अग्निपथ का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हैप्पी चौधरी। हैप्पी जी, क्या दिक्कत है जो आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? यही है जी, TOD जो सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी लागू कराया आर्मी में, से बंद करा जा, नहीं तो युवा मतलब बहुत परेशान हो लिया। 8-8 साल जो बच्चे भाई रेस मार रहे गांव में, इतनी मेहनत कर रहे और फिर 4 साल की सर्विस मिला उन्हें, फिर बाद में क्या करेंगे, क्या खाओगे, घर के भी गाली देंगे, पहले उनको कर रहा फिर वहाँ चला गया। नहीं तो 12 लाख रुपये देने का भी सरकार ने वो निकाल के नौकरी छूटते ही 12 लाख रुपये दिए जाएंगे, क्या हो रहा, पूरा जीवन पड़ा, क्या हो जाएगा? तो यानी समर्थन नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते समर्थन जी चीज़ का। अच्छा, परेशानी क्या आएगी इसमें, परेशानी क्या है? सारी परेशानी है, 15 साल मिनिमम नौकरी होती फौज की, और अब 4 साल में क्या हो जाएगा, मतलब इतनी गात तुड़ा का फिर आदमी क्यों आगे लोग भाग। सरकार का कहना है कि विपक्षी युवाओं को भड़का रहे हैं इसको लेकर, वरना युवाओं के पक्ष में है, क्या कहेंगे? विपक्ष कौन सा, हमारे में कितने टिकट, कौन कौन टिकट ले रखा बताओ जी, कौन जन पर्चा पर रखा होगा? विपक्षी पार्टी युवाओं को भड़का रही है। कौन सी पार्टी भड़का रही है तो बताओ, पार्टी का नाम तो बताओ जी, पूछो तो सरकार से। नहीं, कहना है कि विपक्षी जो भी पार्टियां हैं वे लगातार युवाओं को अपने अंडर करना चाहती है और इसको लेकर जो है ना भड़का रही है। सरकार तो राजनीति कर रहा है जी, हर मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, अब इनने आर्मी का मुद्दा राजनीति का बना लिया, और ऐसा होने का नहीं बिल्कुल जी। देश में युवा बहुत परेशान है, बहुत भड़का हुआ युवा। अरे जी, पहला किसान भी नहीं झुका, ना भी युवा झुकने के, क्योंकि जिन्होंने आंदोलन करा हमारे तो सच्चाई थे जी, हम भी उनके बालक ही हैं, हम भी नहीं झुकने के। तो यानी प्रदर्शन करेंगे आप भी? बिल्कुल करेंगे, दिल्ली तक जाएंगे जी। भैया क्या नाम है आपका? राजन खोकर। राजन जी, क्या दिक्कत है जो अग्निपथ का कानून लगाया गया है, क्या परेशानी है? सर परेशानी परेशानी सर, कैसे वो थोड़ा बताएं क्या परेशानी युवाओं को होने वाली है? 6 साल तैयारी करते हो लिए सर जी, खर्चा इतना जितनी है तनख्वाह दे रहे, उससे ज़्यादा खर्चा है युवा का एक महीने का, 21,000 रुपये देने वो बोल रहे हैं ना उनको, 21,000 रुपये एक तनख्वाह दी जाएगी, इससे ज़्यादा खर्चा आ जा लड़के का। एक आप मारुति कार ही ले लो, एंसर इसी केस लेके जाओ उसके, और लेके आओ भगा के बहुत अच्छी तरह, उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी नहीं आपको जी। तो हम तो फिर भी इंसान, हमारे क्या सर्विस हो रही? तो यानी पक्ष में नहीं है युवाओं के? कुछ नहीं पक्ष में है जी, 4-6 साल तैयारी करते हो लिए, 4 साल की आप ये जॉब दे रहे क्या उसमें? अच्छा, और बाद में चलो ये भी बात मान ली, 4 साल बाद, 4 साल बाद कोई ऐसा नहीं दे रहे भाई, 4 साल बाद इस चीज़ में आपको मिल जाएगी। अब योगी जी कह रहे हैं ना भाई 4 साल बाद में आपको इसमें नौकरी दो, योगी का कुछ पता है आपको 4 साल बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे? कोई योगी जी का कुछ पता? अब मैं हूँ यहाँ, मैं घर जाने जाने मुझे अटैक आ जाए, मैं मर जाऊँ, कुछ पता आपको? आपका पता है आपको कुछ? अब 4 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, कि पक्का दिया उन्होंने हमें कुछ? अगर भाई योगी जी ने कह दिया उनको भाई 4 साल बाद हम दे देंगे, कोई पक्का है योगी जी ने लिख कर दिया हमें कुछ? युवाओं के द्वारा लगातार जगह जगह हिंसा की जा रही है, रेलगाड़ियाँ फूकी जा रही है, देश का करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है, क्या कहेंगे? जो हिंसा हो रही, जो तोड़ फोड़ी वो बिल्कुल गलत हो, प्रदर्शन करने चाहिए, आराम से करने चाहिए बिल्कुल। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार, भूतपूर्व सैनिक। सचिन जी, क्या परेशानी है अग्निपथ को लेकर, युवाओं भी लगातार सड़कों पर उतर रही हैं, जगह जगह हिंसा भी हो रही है, आखिर क्या कारण मानते हैं? ये सबसे बड़ा कारण ये था, कोरोना काल के दौरान पिछले 3 सालों से कोई भी आर्मी की भर्ती रैली नहीं हुई, हम लगातार सरकार के संपर्क में रहे, मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया, DM साहब को हमने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति के नाम भी दिया, प्रधानमंत्री के नाम भी दिया, लेकिन वो ज्ञापन सिर्फ एक डस्टबिन के डब्बे में जाने के अलावा और कुछ नहीं रहा। हमारी मांग यही थी, अगर इन्हें ये योजना लॉन्च करनी थी तो कम से कम ये जो पहली भर्ती थी जिनके टेस्ट इन्होंने क्लियर करवा रखे थे, जो रिजल्ट आने वाले थे उनको कैंसिल कर दिया, कम से कम 2 भर्ती रैलियाँ निकालते, 3-3, 4-4 साल की न छोड़ देते, उसके बाद ये योजना लॉन्च करते, हम सब समर्थन में जाते इसके। 2 आर्मी भर्ती रैली आज ये निकालो, 4 साल की छोड़ देगा, हम इसके समर्थन में जाएंगे, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। युवाओं को किस चीज़ में दिक्कत आने वाली है? युवाओं को सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी, जिसकी उम्र आज 24 साल होगी वो 23 साल में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है इस भर्ती के अंदर?
जिसके चार चार साल नौकरी की प्रतीक्षा करते हुए 3 साल से भर्ती नहीं आई, जो 21 साल का लड़का उस टाइम था, आज 3 साल बाद भर्ती आ रही, वो 24 साल का हो गया, 2 साल की इन्होंने छूट दी, 24 साल का इसमें मतलब फॉर्म नहीं भर सकता इसका, 23 साल उम्र दे दी इन्होंने, ऐसा क्यों करा? तो क्या लगता है क्या होना चाहिए ये? या तो इसको बिल्कुल निरस्त करें, पुरानी भर्ती बहाल हो, अगर इसको भी निरस्त नहीं करते तो इसमें कम से कम ये जो 4 साल की है जो योजना है 4 साल को बढ़ाकर 10 साल की जाए, ठीक है जी, और पुरानी कम से कम जो आर्मी भर्ती रैली कम से कम 2 भर्ती रैली जल्दी जल्दी निकाल गए, जो पुराने लड़के जो 3 साल से 4 साल से ये तैयारी कर रहे थे कम से कम उनको एक बार मौका 2 बार मौका जरूर मिले। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता तो अगला युवाओं का कदम क्या होगा? अगला युवाओं का कदम या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखते रहेंगे, नहीं तो जगह जगह देखने में आ रहा है कि रेलगाड़ियाँ फूंक दी गई है, करोड़ों रुपये का देश का नुकसान हो चुका है। रेलगाड़ी फूंकना, दूसरों को नुकसान पहुँचाना, वो हमारे नुकसान है, देश का नुकसान हमारा नुकसान है। हमारे साथ जितने भी हमारे क्षेत्र के युवा मुजफ्फरनगर में कोई भी एक भी दंगा आप बता दो कि युवाओं के द्वारा ये दंगा हुआ ना होगा, मैं भविष्य में भी गारंटी ले सकता हूँ मुजफ्फरनगर जिले की, इन बच्चों की मुजफ्फरनगर जिले, क्योंकि हमारा जिला जो है बहुत ही मतलब बहुत ही शांत और अच्छा जिला है, सारे युवा समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और वो सिर्फ भर्ती का अपनी सरकार को सिर्फ मांग अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक, हमारा किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। अगर ये सरकार वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती और वो नहीं सुनते हैं तो उसके बाद हमारी मजबूरी होगी, हम सड़क रोकेंगे, दंगा नहीं करेंगे, पिट्टो उठाओ में जबरदस्ती सड़क रोक देंगे, जाम कर देंगे। अरे क्या लगता है युवा इस तरीके की हिंसा कर रहा है तो क्या लगता है क्या आगे उनका जो है नाम पुलिस रजिस्टर में चढ़ेगा, तो क्या लगता है मतलब बेकार हो जाएगा जीवन उनका? तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा, देखो हम उसके खिलाफ हम अब भी कह रहे हैं आपसे, जो भाई हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं उस रास्ते पर न जाएं, राजनीतिक पार्टी अपना फायदा देखती हैं, विपक्ष जो भी है वो बरगला रहा है उनकी बातों में ना हो, सिर्फ अपना धरना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करना। सरकार लगातार कह रही है कि युवाओं को विपक्षी पार्टी अपने पक्ष में लेकर इस तरीके के कारनामे कर रही है, क्या कहेंगे? ये राजनीति है, कोई भी आदमी अपना मौका नहीं चूकता, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जिसको जहाँ मौका मिलेगा, अगर यहाँ युवा 10 खड़े हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी आकर अपना फायदा देखेगी कि हाँ ये 10 आदमी हैं, मैं अपना ज्ञापन दूँ, फोटो खिंचवा लूँ, वो मैटर हमारा नहीं, हम एक अकेडमी से हैं, एक लोकल गांव से हैं, सभी क्षेत्र के हैं, और हमारी अपनी यही मांग है कि भाई जल्दी से जल्दी अपनी पुरानी भर्ती बहालो और नई भर्ती में या तो इसमें सुधार करो, अन्यथा ये आंदोलन परमानेंट चलता रहेगा। ये हमारे साथ कुछ युवा थे जो लगातार मुजफ्फरनगर की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि उतरे हैं, और RLD कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर भी ये युवा सड़कों पर उतरकर पहुंचे हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा पसंद नहीं करते और हिंसा हम करना भी नहीं चाहते, और जो अपना आंदोलन करेंगे वह शांतिपूर्वक करेंगे। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं अनमोल कुमार, हेडलाइंस इंडिया, मुजफ्फरनगर।